स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। राशि, मीठी तुम मोलू का ध्यान रखो, मैं बस अभी आई। मीठी जरा रसोड़े में आना। हेलो जी, मैं आप ही को फोन करने वाला था। हेलो जी, वो नेटवर्क थोड़ा कम है, मैं बाहर जाके फोन करता हूँ। राधा, तू इतनी गुमसुम सी क्यों है? घर में सब ठीक है ना? मेरा मतलब तेरी कुपी बहन चीचा जी में सब ठीक चल रहा है ना? देख राधा, तू यहाँ कुपी बहन के साथ है तो दिख रहा, एक बात याद रखना, अपनी कुपी बहन का वैसे ही ध्यान रखना जैसे वो तेरा रखती। समझ गई? शिखर जी का तो कोई आता पता ही नहीं। मुझे तुझसे बात करनी है। गोपी, मैंने तुझे जैसे करने को बोला था तू कर रही है या नहीं? उसका कोई असर दिखाई दे रहा है या नहीं? मामी जी, मैं और अहम जी तो वही कर रहे हैं जैसा आपने कहा था, लेकिन उसका उन दोनों पर क्या प्रभाव पड़ा ये नहीं समझ में आ रहा। मोलू को इस तरह से छोड़ के कैसे चली गई? कितनी गैर जिम्मेदार है। राशि, कैसी माँ हो तुम? तुम मोलू को सोफे पर अकेला छोड़ के आ गई। अगर वो गिर जाता तो? मैं तो बुरी माँ हुई, लेकिन आप तो अच्छे पिता हैं। तो तोलू को अकेला रूम में रोते हुए छोड़कर कैसे चले आए? जब मैं रूम से निकला तो तोलू रो नहीं रहा था। और मैं जब नीचे थी तब मीठी के भरोसे मोलू को छोड़कर आई। झूठ मत बोलो राशि, जब मैं वहाँ गया तो मीठी वहाँ नहीं थी। मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम मोलू को वहाँ अकेला छोड़कर आई, अगर मोलू गिर जाता तो उसे चोट लग जाती। इतने दिन मैं ही संभाल रही थी। एहम जी, राशि बेन और देवर जी किस तरह से लड़ रहे हैं? कि जो भी हो, दोनों ही अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं। मामी जी, आपका आइडिया बिल्कुल सही है। जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक इन्हें एक दूसरे की जरूरत का एहसास नहीं होगा। आशु थायो, मारी कलाकारी मारा ऊपर आज उल्टी पड़ी गई।
अहम जी, मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम देवर जी और राशि बहन के बीच की चुप्पी तो टूटी। मैं जल्दी से ही अगला कदम उठाना होगा, वो भी सोच समझ कर, क्योंकि हमारी जरा सी गलती उनको दोबारा से दूर कर सकती। गोपी, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज की रात उन दोनों को एक दूसरे से अलग रखा जाए। पर कैसे हैं जी? हम ऐसा करते हैं, हम दोनों उनके रूम में चलते हैं। तुम राशि को लेकर यहाँ जाना, मैं जिगर के साथ वहीं सो जाऊंगा। अहम जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वैसे ही दोनों के बीच इतना झगड़ा चल रहा है और ऊपर से आप उन्हें अलग रखने की बात कर रहे हैं। हाँ गोपी, इतना तो हमें करना ही होगा, क्योंकि जब वो अलग अलग रहेंगे तभी एक दूसरे को मिस करेंगे। भाई, आप इस वक्त यहाँ? एक्चुअली हम दोनों ने ये सोचा है कि जब तुम दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो तो एक कमरे में तुम दोनों कैसे रहोगे, ये बात मैं समझ सकता हूँ और तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा। इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं यहाँ जिगर के साथ इस रूम में सोऊंगा। और राशि बेन, आप मेरे साथ मेरे कमरे में सोएंगे। हाँ गोपी, चल। वैसे भी यहाँ रहना ही कौन चाहता है। अच्छा हुआ चली, उसकी वजह से अच्छे से सो भी नहीं पाता मैं। आप अच्छा, अब ठीक है, ज्यादा गुस्सा मत कर, आप सो जा। कौन छे? अरे आवी, काम कर रही थी ना तो संभलायो नहीं। मुझे पता तो चले क्या काम कर रही थी, बड़ी आराम कर रही होंगी। किंजल कहाँ है? आपको किंजल से काम है? अब तो जाओ। भाभी, ज्यादा होशियारी मत करो, चुपचाप यहीं खड़ी रहो। किंजल, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, आज घर के काम के साथ साथ शाम की पूजा के लिए भी फुर्ती से प्रसाद तैयार कर लो और 2 घंटे में सारा काम हो जाना चाहिए, समझी? आंटी, 2 घंटे में प्रसाद कैसे तैयार होगा, घर का बाकी काम भी तो बचा है। अरे वाह, सास बहू के मिला के 4-4 हाथ हैं और 4 हाथ मिला के भी प्रसाद नहीं बन सकता। मैं पूजा करने बैठ रही हूं तब तक सारा काम हो जाना चाहिए और मैं 2 घंटे बाद आके देखूंगी। अगर प्रसाद नहीं बना तो तुम दोनों आज गरबा खेलने नहीं जाओगी, समझ गई? जय श्री कृष्ण माँ जी। जय श्री कृष्ण गोपी बहू।
अहम उठ गया? नहीं माँ जी, वो दरअसल अहम जी अभी तक सो ही रहे हैं। लेकिन सुबह की सैर और व्यायाम तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी बात है, और जहां तक अहम का प्रश्न है, वो कभी भी सुबह की सैर और व्यायाम नहीं छोड़ता। मैं उसे जगाती हूँ। कान्हा जी, ये मैंने क्या कर दिया? हमारे कमरे में तो राशि बहन सो रही है, और अहम जी? राशि, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।